अपनी धीआं दीआं खुशियां लई मैनू किसी की इजाजत की कोई लोड़ नहीं। कभी घाटे का कारोबार नहीं किया, हमेशा प्रॉफिट कमाया। अमानत होर किसे दी, अमानत होर किसे दी। अपनी गल छुपा सकते इस वास्ते कि वो मुल्कों बाहर है पर अनवर को नहीं। हाँ फरिया दस रही सी कि वो राती जमशेद दी कार पिस्तौल लेके जा रहा सी। उस्मान खैर ते है जनाब, ताड़ा शुक्रिया अदा करने तां रोके। मेरा शुक्रिया जनाब, तुसी ते सारी ही मुश्किलां मेरियां आसान कर दितियां ने, मेरियां सारियां फिकरां तुसी ले लियां ने ते अपनी सारियां मुहब्बतां तुसी मेरे ते लुटा दित्तियां ने। अल्लाह ना करे कि मैं तुहाडे कोल कदी दूर होवां, हुण ते मैं सारी जिंदगी तुहाडे नाल तुहाडा परछावां बन के रहना चाहनी हां। हुण ते तू मेरी जिंदगी बन चुकी है अरमान, तेरे बगैर जिंदा रहिंदा ते मैं हुण तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुशियां दे गमियां दे मौके ते अपने विछड़े हुए याद आ ही जांदे ने ते नाले 30 साल दा साथ बकायदा इक साथ हुंदा है। मियां बीवी गड्डी दे दो पहिए हुंदे ने, जे एक खराब हो जाए ते दूसरा अपने आप बेकार हो जाता है, बिल्कुल मेरे वांगू। ते सोचिए तुहाडा हाल चाल ही पुछदा जा। ऐस मेहरबानी दा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी अपना हाल चाल सुनाओ। सॉरी हाल ते तुहाडा ठीक ही लग रहा, तुसी अभी चाल दे सुना दो। ओ बाबा मैनू ही ते दस ना, ओ केड़ी गल है जिन्हें तेनू इन्ना परेशान कर दिता है। उस्मान मैनू इंज लग रहा मेरी कलसूम भाभी ना थोड़ी देर पहले गल हुई है। फुफो असल च वो बस चला गया, पर एक गल है फुफो, आंटी कलसूम ते उन्हां दी छोटी बेटी बड़ी अच्छे ने। हाँ शान ते अरमान दी भैन जो होई चंगी तो होनी है। हाँ पर फुफो मेरियां दोवें भाभियां नजर नहीं आ रही, कितने गईयां ने? मैं भी उन्हां नूं वेखण जा रही हाँ, सुबह दियां दोनों कमरे चो बाहर ही नहीं निकलियां, मैं उन्हां नूं वेख के आनी हाँ। हाँ तू कल्ला ही चाह पी आया? जी जी फुफो बस गल चाह ती की है ना। जी फुफो बस बस ते फिर बस ही सही। उस्मान ऐते ऐते मेरियां ते तुहाड़ियां तस्वीरां ने। ते तेरा ही मतलब है इत्थे तेरे नाल किसे होर दी तस्वीर होनी चाहिए।
उस्मान तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी मेरी एक फोन कॉल से मैनू मिलन लई आ गए। तुसी गल ही इहो जी कीती सी अनवर साहब कि मैनू आना पिया। प्लीज़ तुसी मैनू यह दसो कि तुसी मैनू क्यों मिलना चाहते सो। मैं असल च तुहाडियां तस्वीरां तुहानू देना चाहना। तस्वीरां? पर तुहाडे कोल मेरी तस्वीरां कित्थों आ गईआं? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਕਜ਼ਨ ਨੇ? ਯੈਸ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਨਾ। ਆ ਬੈਠ, ਆ ਜਾ। ਸਮਾਨ ਵੇਖ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇਗਾ। ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਉਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਣਾ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਵੇ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਅਨਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੀਏ। ਉਸਮਾਨ, ਅੱਜ ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ? ਚੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਆ। ਅਨਵਰ, ਤੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਲੋ ਪੋਇਸ, ਸਲੋ ਪੋਇਸ, ਸਲੋ ਪੋਇਸ, ਸਲੋ ਪੋਇਸ, ਸਲੋ ਪੋਇਸਨ। ਹਾਂ ਡੈਡੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀ ਡੈਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਰੀਆ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੀ 'ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਅਨਵਰ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਪਵੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਡੈਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੈਡੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਡੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ? ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਫੁੱਪੋ,
मैनू खैर नहीं लगती। लगता है तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं। तुसी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाह बना के लेनी है। तुसी बैठो बेटा जी, मैं तुम्हारे वास्ते चाह बना के लेनी है। पुप्पो जी, ऐ किवें हो सकता है कि साड़े होंदे हां तुसी चाह बनाओ ते नाले तुसी साड़े मेहमान हो। मेहमान नूं उबाले जान नहीं बनाईदा बेटा जी, उन्हें भी काम करन देईदा, नाले सारी जिंदगी यही कुछ ते कीता। फिर भी चाह ते मैं ही बनावांगी। अच्छा बेटा जी, तुसी बना दो, जिथे कहना जी उथों लेना की। ऐ होई ना प्यार दी गल। किन्ना खुशकिस्मत है मेरा भरा जिन्हों एडिया चंगिया नौवा मिलिया। इमरान साहब तुसी एथे? देखो जी इमरान साहबा, ए इमरान साहब कहना कोई चंगी गल नहीं। सीधा सीधा इमरान कहो। तुसी भी ते इमान जी कहंदे रहंदे हो, सीधी तरह इमान ही कह दो। ओ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ते हुण दस इमान, की हाल है तेरा? बिल्कुल ठीक। तुसी मेरे सामने? हाँ इमान, हुण ते हर वेले तू मैनूं अपने सामने पाएंगे, कदी दस के ते कदी बगैर दसन तो। वेरी गुड, पर मेरे को लांदी कोई वजह? ए नवी ते चंगी रिश्तेदारी। बस? हाँ बस। तुसी ये गल सोच समझ के कह रहे हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंनू जरा थोड़ी जल्दी है, तो तुसी आदे हवास ते ना जरा काबू पाके सोचना जरूर। नहीं नहीं या हाँ हाँ। ते मैनू कन्फर्म मामले च मैं बड़ा टीठ वाकया होया। खैर कोई गल नहीं, कदी चाचे दियां ते कदी बाबे दियां। हाली ते मैं शान दे होम स्वीट होम च दराड़ पान की इब्तदा की है। अपने शोहर के हाथ च मेरिया बनिया हुई तस्वीर वेख के परेशान ते हो गई होगी ना? सिर्फ परेशान, ओदे पैरा थलो जमीन निकल गई होगी। और किसे दी अमानत, और किसे दी, और किसे दी अमानत, और किसे दी। सोना रब जिहड़ा ना कुलसुम साहिब इख्तियार है, बंदा पता नहीं की सोचता है, मैं यह कर लांगा मैं वो कर, पर हुंदा होई जो दिया रजा होना। ऐ ते तुसां बिल्कुल ठीक आखे। बस बंदे नू हकीकत नू मन लेना चाहिए, रब दिया रजा मन लेना चाहिए। शुक्र है जे तुसां भी कोई अच्छी गल कीती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। और मैं क्या मैं बात है। चलो बेटा सलाम, चलो सलाम। नवी बेटे तो तुसी बहुत अच्छा किया कि तुसी आ गए हैं, असि तुहानू हुणे याद ही कर रहे सा। अच्छा बैठो बेटे। तुसी ते मां जी नूं इंज मिल रही हो जिवें ससुराल च तुहानू कोई प्यार ही नहीं करदा। उस्मान बेटा, धियां ससुराल च जिन्नियां मर्जी सुखी होन पर मां प्यो दे कलेजे नाल लग के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਮਾਨ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਕੱਲਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ?
हाँ बेटा ये किस तरह हो सकता है? ओ अंकल मैं दरअसल दफ्तर जल्दी पहुंचना है, बड़ी जरूरी मीटिंग है। पर बेटा ओ फिर कदे सही, दरअसल अम्मी जी यूरोप च रहंदे रहंदे ना वक्त की कदर करन दी आदत पै गई है। ये तो बड़ी चंगी गल है पुत्र, जड़ा वक्त की कदर नहीं ना करता वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। अच्छा माँ जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा मैं उस्मान नु सी ऑफ करके आया। आओ जी बेटा जी। अम्मी जी जी मैं तुम्हारे नाल एक जरूरी गल करनी है। ते कर ना बेटा। ऐथे नहीं। खैर ते है? हाँ खैर है। चल उठ कमरे से चल के बैठने उठे गल करनी ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा किया जब तुम आए हो। तू फिक्र ना कर शान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप फरहान नाल गल करांगी ते नाले अनवर नाल भी। अम्मी जी तुसी अनवर नाल की गल करोगे? और फोन वाली गल तो बिल्कुल मुकर जाएगा ते असी तस्वीरां वाली गल तो फिलहाल ओदे उत्ते कोई इल्जाम नहीं ला सकते। पर मैं ए ते कह सकनी है ना कि जे उन्हें मुड़ के कोई एहो जी हरकत की ते साढ़े नाल बुरा कोई नहीं होगा। पर वो बाज नहीं आएगा अम्मी जी। लै कमली ना हो ते वह भला बाज क्यों नहीं आएगा? अम्मी जी तुसी अबू जी ने गल ना दसना। मैं तुहाडी मां भी हाँ ते तुहाडी सहेली भी ते मैं पता है केड़ी गल तुहाडे अबू जी नाल करनी है ते केड़ी नहीं। ते जे अनवर फिर भी बाज ना आया ते फिर की होएगा अम्मी जी? होर किसे दी अमानत होर किसे दी फिर मैं तुहाडे अबू नाल जरूर गल करांगी ते ओ उन्हूं आपे समझा देंगे दूसरी जुबान च। तुसी फिलहाल परेशान ना होवो, मैं खाना लाया ते चलो आओ तुसी खाना खाओ। अम्मी जी ईमान कित्थे वे नज़र नहीं आई? ओदे इम्तिहान सिर ते आ गए ने ना, बस उन्हां दी तैयारी च लगी होई है। अम्मी जी तो सुने अजकल वो बड़ी पड़ाकू हो गई है। हाली ते मैं शान दे होम स्वीट होम च दराड़ पान की इब्तदा की है। अपने शोहर के हाथ च मेरिया बनिया हुई तस्वीर वेख के परेशान ते हो गई होगी ना? सिर्फ परेशान ओदे ते पैरा थलो जमीन निकल गई होगी। लेकिन एक गल ते दस अंगर पुत्र, तेरे दिमाग विच इंतकाम लैण दा तरीका आया किवें? जदों कोई बंदा अपने दिल च काम करन दी ठान लैंदे ना ते तरीके अपने आप ओदे दिल च आ जांदे ने। ते मैं शान नूं इन्ना को मजबूर कर दियांगा कि वो अपने शोहर कोलों तलाक लैण तों बाद मेरे पैर पड़न ते मजबूर हो जाएगी। उदों मैं ओदे प्यो कोल पुछांगा कि हुण दस हुण तेरा की हाल है? की हाल है?